चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, जर्मनी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत की संभावना कम। चीन के अधिकारी का बयान, दोनों नेताओं के बीच बातचीत के लिए माहौल ठीक नहीं है। हैम्बर्ग में कल G20 की बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी के जर्मनी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, ब्रिक्स नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे, विदेश मंत्रालय का बयान। हाइफा में पीएम मोदी ने समंदर के पानी का स्वाद चखा, प्योरीफायर की मदद से पानी को पीने लायक बनाते हैं। हाइफा में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बीच पर टहलते और बातचीत करते दिखे। पीएम मोदी ने हाइफा में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मारक स्थल पर फूल अर्पित किए, कुछ देर मौन भी रखा। पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की, दोनों प्रधानमंत्रियों ने सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाई। बाकी रेटिंग में जी न्यूज नंबर 1, 26वें हफ्ते में 22+ कैटेगरी में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनी की पेशकश को ठुकराया, बसीरहाट के हालात पर काबू करने के लिए मदद को मना किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया है, राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को बातचीत का ब्यौरा दिया। ममता के बयान को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया, कहा लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे आरोप लगाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, सार्वजनिक रूप से राज्यपाल का अपमान करना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट और बद्रिया समेत कई इलाकों में धारा 144 लागू, नॉट 24 परगना में इंटरनेट सेवा पर भी रोक। बसीरहाट में चौथे दिन सभी स्कूल कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद रहे, कल दोपहर फिर हिंसक वारदात होने से लोग दहशत में हैं। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में हिंसा में घायल 70 साल के बुजुर्ग कार्तिक घोष की मौत हो गई है, कोलकाता के अस्पताल में दम तोड़ा। कार्तिक घोष कल झड़प के दौरान घायल हुए थे, बीजेपी ने उन्हें अपना कार्यकर्ता बताया। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो, कल्पना चौराहे से वसंतपुर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा, अमित शाह के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद रही, वसंतपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ओडिशा दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कश्मीर के हालात पर अमित शाह ने कहा, घाटी में हालात नियंत्रित हो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है, दिल्ली यूपी उत्तराखंड में और हरियाणा में खुफिया एजेंसियों को अलर्ट है, आतंकी कांवड़ियों के भेष में वारदात को अंजाम दे सकते हैं, 4 राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, कश्मीर के हालात पर उन्होंने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से टेरिटोरियल आर्मी का जवान जहूर ठाकुर AK-47 के साथ लापता, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के शेरगढ़ में वायुसेना का MiG-23 ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है, विमान ने जोधपुर से उड़ान भरी थी, चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक, 11 जुलाई को दिल्ली में मुलाकात होगी। पुडुचेरी में 3 मनोनीत विधायकों को शपथ न दिलाने पर घमासान, कांग्रेस और डीएमके ने विरोध जताया, शनिवार को बंद भी बुलाया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी के आरोपों पर गवर्नर किरण बेदी का जवाब, कहा कानून के अनुसार काम करती हूं। रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट खत्म किए जाने की खबर गलत है, रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने कहा छूट लेने ना लेने का विकल्प मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र पर एक और घोटाले का आरोप है, सोलन में 23 करोड़ के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। एनडीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राजनाथ कोविंद 8 जुलाई को रांची जाएंगे, विधायकों से समर्थन मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज का हिसाब किताब दिया। अचल कुमार ज्योति नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल चुके हैं, नसीम जैदी रिटायर हुए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने मीडिया को नसीहत दी, कहा विकास की खबरें प्रमुखता से दिखाने की जरूरत है। बेंगलुरु में उठी हिंदी और अंग्रेजी विरोधी आवाज, कन्नड़ समर्थक संगठनों ने अंग्रेजी और हिंदी के लिखे बैनर पर कालिख पोती। तिरुवनंतपुरम में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र संघ ने सड़कों पर हंगामा किया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली महिला आयोग के दखल के बाद ये कार्रवाई हुई। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक महिला से कथित तौर पर मारपीट का मामला, सोमनाथ भारती, अमानतुल्ला खान और जर्नैल सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली में लड़की की हत्या मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा 1 साल पहले ही लड़के की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के बागपत में नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर बदमाशों ने गैंगरेप किया, 10 दिन बाद परिवार के पास पहुंची लड़की, आरोपी अभी भी फरार।
यूपी के फरुखाबाद में पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का मामला सामने आया है। सैंपलिंग के बाद पेट्रोल पंप को सीज कर लिया गया है। यूपी के संभल में हैंड पंप पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इलाके में लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है, प्रशासन अभी भी बेखबर है। यूपी के बिजनौर में बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी, 3 बच्चों के साथ 9 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के सीतापुर में बेकाबू कार ने लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी है। उत्तराखंड के गंडक नदी के तेज धार में बह गई कार, चंपावत में यह हादसा हुआ, कार में सवार लोगों की जान बच गई। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 124 अंक चढ़कर बंद हुआ। मैक्सिको में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई, हादसे में 26 लोगों की मौत हुई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में भयंकर आग है, आसपास के सभी रिहायशी इलाके खाली करा लिए गए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज है, सीरीज में भारत 2-1 से आगे है।